नमस्कार दोस्तों, मैं सिंह भारद्वाज ऑनलाइन शेजून के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज 1857 के रिवोल्ट के बाद और उसके अभ्यास श्रृंखला को पूरा करने के बाद अब बारी आती है कांग्रेस पार्टी की स्थापना। कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो कांग्रेस से पहले इस्टेब्लिश हुई या स्थापित हुई? कांग्रेस एक ऐसा पुल है जिसके माध्यम से ब्रिटिश यानी अंग्रेज और भारतीय एक दूसरे से मिलते हैं। उसकी वजह यह थी कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसमें ब्रिटिश पावर और भारतीय जनता के बीच में गैप था, कम्युनिकेशन गैप था, संवादहीनता और संचारहीनता थी। वो क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता, हम क्या कर रहे हैं उन्हें नहीं पता। दोबारा ये रिवोल्ट ना हो तो अंग्रेज भी चाहते थे एक संगठन बने, एक पुल बने, एक प्लेटफार्म बने जिसे दोनों मिलते रहें, और हम भी चाहते थे कि ऐसा हो। तो 1885 की कांग्रेस की संस्था इसी की देन है। लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी अकेली सी पार्टी है जो बनी है। कांग्रेस की स्थापना से पहले भी भारत में कई राजनीतिक संस्थाएँ अपने अपने तरीके से वही काम कर रही थी, और सबका एक उद्देश्य था भारत का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास हो। लेकिन इनको सही मंच नहीं मिला। कांग्रेस की स्थापना में चूंकि अंग्रेजों का भी सहयोग रहा है, एक बड़ा मंच बना, मेंबरशिप ज़्यादा थी, लोगों ने ज़्यादा इसको ज्वाइन किया, तो छुटपुट संस्थाएं जो हैं वो धीरे धीरे इसमें मर्ज होती गई और कांग्रेस पार्टी में अपने को उन्होंने समाहित कर दिया और समागत हो गई। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे आए इसके बाद जो अगला वीडियो आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन की हर चैप्टर के बाद आए हुए प्रश्नों की सीरीज को रखा जाए, एक अंदाजा मिल जाएगा कि हम किस दिशा और दशा में काम कर रहे हैं। तो टॉपिक है पी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस से पूर्व स्थापना है। समय बचाने के लिए जो आपको चाहिए वो हमने टेबल में ही दे दिया है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हो जाता हूँ। और उससे ये फायदा रहेगा कि इसमें क्वेश्चन आता है कि किस संस्था का कौन सा वर्ष है और कौन सा स्थान है और कौन से उसके संस्थापक हैं, इस तरीके से क्वेश्चन इसमें बनेंगे। तो संस्थाएं टोटल 8 हमने लिखी हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और इनका स्थापना वर्ष हमने क्वेश्चन की क्रम से लिखे। एक बार क्वेश्चन क्रम से पूछा गया, जैसे इंडियन एसोसिएशन, इसमें एसोसिएशन देखिए कई हैं, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, एक में बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, एक में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, एक में इंडियन एसोसिएशन, इंडिया और इंडियन, तो क्रम पूछा जाता है। तो ईयर के आधार पर आप इनके क्रम को आसानी से निकाल लेंगे। आइए शुरू करते हैं। और कभी कभी कुछ संस्थाएं उनके संस्थापक पूछे जाते हैं, तो कुछ संस्थाएं ऐसी जिसमें एक से अधिक संस्थापक सदस्य हैं, तो उनको कैसे याद रखना है आइए उसका भी हम जुगाड़ करते हैं कि भारत जुगाड़ों का देश है। शुरू करते हैं पहली संस्था, और जो सबसे हिट राज था बंगाल, क्योंकि बंगाल उसमें राजनीति का ध्रुव था, केंद्र था, सेंटर था। पहली संस्था जो हमें मिलती वो है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, हिंदी इंग्लिश से में सेम रहेगा, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर्स का मतलब होता है जो भू स्वामी होते हैं, उनकी संस्था। बंगाल में चूंकि जमींदारी व्यवस्था थी तो उस वक्त जो लैंड होल्डर्स थे वो अंग्रेजों के सपोर्ट में थे, और लगान व्यवस्था में उनका काफ़ी बड़ा रोल था, तो उन्हीं के हित के लिए संस्था बनी थी 1838 में। ये आम जनता से उतना मतलब नहीं रखती थी जितना जमींदारों से और भू स्वामियों से, तो उनके ये राजनीतिक हित की बात करती है। और आगे चल करके कांग्रेस जैसी संस्था आम जनता की बात करती है। धीरे धीरे संस्थान जो है मैच्योर होते गए, परिपक्व होते गए। 1838 में संस्था बनी कलकत्ता में, और इसके फाउंडर हैं द्वारिकानाथ टैगोर। आप ऐसे भी पढ़ें, ऐसे भी पढ़ें और ऐसे भी पढ़ें, तीन तरीके से पढ़ना है। द्वारकानाथ टैगोर की दो संस्था है, आगे चलकर के उन्होंने इसी संस्था को दिया, इसकी एक ब्रांच बन गई कह सकते हैं, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन 209 में अंतर इतना है कि एक 38 में है, एक 43 में है। प्लेस सेम है, फाउंडर सेम है, द्वारकानाथ द्वारकानाथ 1838 43 और 38, लैंड होल्डर्स और बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। कुछ संस्थाएं विदेश में भी बनी, तो क्रम में चूंकि हमें ईयर वाइज चलना है
तो 66 में हमें दो संस्थाएं मिलती हैं, एक भारत में एक विदेश में। तो पहले विदेश की बात करते हैं। वो फेमस संस्था है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया यानी पूर्व की संस्था, और लंदन में बनी दादा भाई नौरोजी। अब ये संस्था चूँकि लंदन में थी, दादा भाई नौरोजी ने विदेश में अपनी राजनीति को किया और विदेश में रहकर के भारतीय जन समर्थन हासिल किया अंग्रेजों के विरुद्ध। लंदन में उनका एक पेपर भी पब्लिश होता था, इंडिया इंडिया पेपर के वो संपादक थे, जो लंदन से प्रकाशित होता था। भारत में इसी समय इसी साल पुनः सार्वजनिक सभा एक सामाजिक धार्मिक संस्था है, जो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। सामाजिक धार्मिक आंदोलन में महादेव गोविंद रानाडे, इनको दक्षिण का सुकरात कहते हैं, एक समाज सुधारक थे, और उन्होंने ही पुणे में महाराष्ट्र में ये संस्था शुरू की। अब आते हैं आगे, 75 और 76। अगली संस्था हमें मिलती है इंडिया लीग। इंडिया लीग जो भी कलकत्ता में थी, फाउंडर हैं शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष। और उसके एक साल के बाद 66 में इंडियन एसोसिएशन, वो फेमस संस्था है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इनमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इंडिया इंडियन हो जाता है, इंडियन इंडिया, इन दोनों में एक वर्ड जो अलग है वो है ईस्ट, पूर्व। तो इस वर्ड से आप अलग कर दें और इसको हम जोड़ दें दादा से, पूर्व के दादा, दादा भाई नौरोजी, दादा ऑफ ईस्ट, ठीक लिख सकते हैं पूर्व के दादा, तो बन जाएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ये हो जाएगा पूर्व के दादा। आप अपने हिसाब से लिखते भी चलिए, समझते भी चलिए, हमारा काम मेटर देना नहीं है, उसको दिमाग में सही तरीके से व्यवस्थित करना भी है। तो पूर्व के दादा, दादा भाई नौरोजी, अब याद हो जाएगा। अब इंडियन एसोसिएशन 76, और उसके तो फाउंडर हैं सूर्यनारायण बनर्जी और आनंद मोहन बोस। यही सूर्यनारायण बनर्जी बाद में 1886 में ये संस्था कांग्रेस में मर्ज हो जाती है। कांग्रेस पार्टी का जो पहला सेशन 1885 में हुआ, तो सूर्यनारायण बनर्जी उस समय नहीं थे, लंदन में थे, लेकिन वो कांग्रेस में जाने के इच्छुक थे। दो क्वेश्चन इससे बनेंगे जो अगले पेपर में हम आपको समझाएंगे कि कांग्रेस की स्थापना के बाद किस संस्था का विलय 1886 में हुआ, तो आंसर होगा इंडियन एसोसिएशन। और कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय कौन व्यक्ति उपस्थित नहीं था, शामिल नहीं था, तो सूर्यनाथ बनर्जी। तो उनका नाम उनके साथ है आनंद मोहन बोस। अब यहाँ पर याद रखने के लिए हमने बनर्जी का वा और बोस का वा निकाल लिया, इंग्लिश में बी वार बोस निकाल लिया, तो कोडिंग मैंने कर दी है बी स्क्वायर और बा स्क्वायर, दोनों में बाबा है, ठीक, बनर्जी और बोस। इस तरीके से आप कोडिंग कर लें पेयर में अगर आ जाए। अब हैं दो संस्थाएं जो प्रायद्वीपीय भारत में, एक मद्रास में एक बॉम्बे में। पहले मद्रास फिर बॉम्बे, पहले मद्रास फिर बॉम्बे। मद्रास महाजन सभा 1884 में बनी, कांग्रेस की स्थापना के एक साल पहले मद्रास में है। इसके संस्थापक इम्पोर्टेंट हैं, तीन इसके फाउंडर मेंबर हैं और तीन इसके भी फाउंडर मेंबर हैं। एग्जाम में ऑप्शन दिया होता है, निम्नलिखित में से कौन सदस्य बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में या मद्रास महाजन सभा में शामिल नहीं है, क्योंकि ऑप्शन एग्जाम में चार होते हैं और तीन ऑलरेडी पहले से दिए हैं, तो इन तीनों को याद रखना भी जरूरी है। साउथ के नाम वैसे भी अजीबोगरीब होते हैं क्योंकि लिपि है द्रविड़, तो इसके लिए साउथ के नाम में रा ज्यादा कॉमन होता है, जैसे अय्यर, आयंगर, अल्लादि, गोपाल स्वामी, कृष्ण स्वामी। तो यहाँ पर देखिए चेरियार का पूरा नाम हमने नहीं लिखा है जानबूझकर, चेरियार पेरियार अपने में क्लियर है, तो चेरियार एस अय्यर यानी सुब्रमण्यम अय्यर, और आनंद चार्लू, आनंद तो कॉमन नेम है तो चार्लू, तो चार से चेरियार, चार से चार्लू, लेकिन अय्यर फिर अलग हो जाएंगे। तो हमने फिर इसमें और या भी रा अल्फाबेट लिया, चेरियार का रा, अय्यर का रा और चार्लू का रा, क्योंकि जो री की मात्रा ऊपर है इसको भी हम रा ही बोलते हैं, चार लू, चार लू। तो इसमें क्या है,
रारा रारा रा, एक मूवी आई थी आमदनी ठन्नी खर्चा रुपया, तो फेमस डायलॉग था रारा रारा रा। तो यहाँ चेरियार का रा, अय्यर का रा, चालू का रा, तो रा थ्री या रा आर ट्रिपल, जहाँ होंगे वहाँ मद्रास होगा। ठीक, तो इसको इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, एम फॉर मद्रास, डेश लगा दीजिए, आर थ्री, यहाँ मद्रास सिंबल है संस्था का और आर सिंबल है इनके सदस्यों का, ये बनेगा एम आर, तो ये बन जाएगा। ऐसे ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में स्थापित हुई, जिस साल कांग्रेस की स्थापना हुई, और इसके भी तीन मेंबर हैं, मेहता, तैयब, तेलंग। फिरोज शाह मेहता बहुत फेमस नाम है, बद्रुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने, जो इसके सदस्य भी थे संस्थापक, के टी तेलंग। तो मेहता, तैयब, तेलंग, तीनों में ता 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 टी 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 कॉमन है, तो यहाँ भी यही कर दीजिए। तो बी फॉर बॉम्बे, और टी फॉर मेंबर, टी थ्री, इस तरीके से अपनी कोडिंग करिए, जैसे एम आर बी टी, एम आर बी टी, एम आर स्क्वायर बी टी स्क्वायर। तो जहाँ बॉम्बे होगा वहाँ टी होगा, जहाँ मद्रास होगा वहाँ आर होगा, इस तरीके से आप इनको तैयार कर लें। क्रम पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, पहले लैंड, फिर बंगाल, ईस्ट इंडिया, पूना, इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन। तो एसोसिएशन में कौन कौन से, मद्रास, बॉम्बे, तो दो चार बार सेट करेंगे तो आसानी से तैयार हो जाएगा। इतनी बातें बताने थी, इसे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, द पॉइंट में, इसीलिए हमने नोट्स फॉर्म में इसको रखा है, आप चाहें तो लिख लें या कॉपी कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा आपका मन। अब इनसे आए हुए जो प्रश्न हैं, हालांकि वो बहुत ज़्यादा नहीं पूछे गए, लेकिन जो जो पूछे भी गए उसमें से कुछ एक अभ्यास के लिए हम अगले वीडियो में वो श्रृंखला आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। फिर शुरू करते हैं कांग्रेस की स्थापना और उसके बाद की बातें। ठीक, सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद।